हेलो गाइज, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं मॉडेक्स टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एएमडी के बारे में। हो सकता है कि आप इसे बहुत लोग यार अपने सिस्टम के अंदर एएमडी का प्रोसेसर ही यूज कर रहे होंगे और मैं खुद भी पर्सनली यार अपने सिस्टम के अंदर एएमडी का प्रोसेसर ही यूज कर रहा हूं। और बहुत लोग यार, अब आप लोगों को पता ही होगा कि एएमडी आजकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एएमडी के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि ये कंपनी किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस तरीके से इवॉल्व करा, क्या क्या इसने राइज देखे, क्या क्या इसने फॉल देखे, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को यार अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है। लाइक एम रखते हैं हम लोग 1000 लाइक्स का, और हमारे चैनल के ऊपर ऐसे पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोग अभी इंटरेस्ट है ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बस बेल आइकन को भी, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि cdkoffers.com। अगर आप एक पायरेटेड या फिर अनएक्टिवेटेड विंडोज यूज कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप अपने सिस्टम को रिस्क के अंदर डाल रहे हो। cdkoffers.com वेबसाइट के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइसेस के अंदर विंडोज 10 प्रो की लाइसेंस कीज देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस वेबसाइट को चेकआउट करने के लिए। और यहां पर जितनी प्राइसेस है इसके ऊपर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज कर रहे हैं modex20। फिर जब आप यहां से की को बाय कर लोगे, फिर आपको जाना है विंडोज 10 प्रो की सेटिंग्स अंदर, देन एक्टिवेशन, और यहां पर आप अपनी की को एंटर कर देना और आपकी विंडोज हो जाएगी एक्टिवेट। तो इस वेबसाइट की जो लिंक है और जो कूपन कोड है, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट करना, काफी अच्छी वेबसाइट है। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज यानी कि एएमडी। सबसे पहले तो मेरे को ये बताना कि आप में से किस किस जने को एएमडी की फुल फॉर्म पता थी। बहुत सारे लोगों तो यार एएमडी की फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी, मेरे को पक्का पता है। तो एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज एएमडी की फुल फॉर्म है। अब ये कंपनी जो है ये 1969 में स्टार्ट हुई थी, और ये जो कंपनी है पहले खुद के लिए माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती थी, पहले दूसरी कंपनीज के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाती थी। इनका खुद का इन हाउस चिप नहीं हुआ करता था, पहले ये दूसरों के लिए काम करती थी। धीरे धीरे कंपनी थोड़ा बहुत ग्रो होती रही, इवॉल्व होती रही, फिर उसके बाद बारी आती 1980s की। 1980s के अंदर जो हुआ ना, उसकी वजह से कंपनी ने काफी अच्छा खासा ग्रो करा। बेसिकली 1980s के अंदर AMD का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंटेल एंड IBM के साथ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि IBM उस टाइम पर 1980s वगैरह के जमाने में IBM वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हुआ करता था, ठीक है। तो आपको उस टाइम पर जितने भी मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कंप्यूटर्स देखने को मिलते थे ना, वो सभी IBM के बनाए हुए करते थे, ठीक है। तो IBM को बेसिकली अपने सिस्टम्स को बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत थी। अब भाई इंटेल उस टाइम पर इतने ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज नहीं थी कि वो IBM की डिमांड को फुलफिल कर सके, यानी कि उनकी कुछ भी कह लो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी कम थी कि वो IBM की जितनी भी डिमांड्स थी उनको फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो उनको एक कंपनी ऐसी चाहिए थी जो उनके लिए माइक्रो प्रोसेसर बना सके और भी ज़्यादा। तो इसीलिए AMD का कॉन्ट्रैक्ट हुआ IBM एंड इंटेल के साथ। तो बेसिकली AMD ने क्या करा कि उन्होंने इंटेल के 8086 प्रोसेसर के क्लोन बनाने स्टार्ट करे। मतलब वो खुद का प्रोसेसर नहीं था, उन्होंने इंटेल का क्लोन बनाना स्टार्ट कर दिया 8086 का, जो कि एक लाइसेंस्ड क्लोन था जो कि IBM अपने सिस्टम्स के अंदर यूज करता था। तो इसीलिए क्योंकि डिमांड्स को फुलफिल हो सके, AMD ने प्रोसेसर्स को बनाना तैयार कर दिया जो कि इंटेल के 8086 था। फिर धीरे धीरे कंपनी ने क्या करा कि अपने CPUs को जो है IBM के अलावा और भी भार देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि इंटेल का जो 80286 प्रोसेसर था उसका भी क्लोन बनाया, जो कि एक 32-bit वाला प्रोसेसर था, और इस CPU का इन्होंने नाम रखा AM286। तो इस CPU को भी इन्होंने बना के लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर। और इस CPU की पता है खास बात क्या थी कि इसकी जो क्लॉक स्पीड्स थी वो इंटेल से भी ज़्यादा थी। मतलब उसका क्लोन तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ उससे बेटर भी कर दिया, उससे अच्छी क्लॉक स्पीड दे दी मार्केट के अंदर। तो इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि AMD के CPUs उस टाइम पे ज़्यादा बिक भी गए हों। देन 1985 के अंदर इंटेल ने अपना 80386 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करा। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई, फिर से AMD ने उसकी भी कॉपी मार दी, AM386 नाम से CPU बना दिया। लेकिन भाई इंटेल को गुस्सा आ गया कि भाई तू तो यार चीटिंग करता है, तू चीटिंग 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 करता है तू। भाई अपना एग्रीमेंट तक तो अपना एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ 80286 तक था, तू 80386 कैसे बना रहा है। तो भाई इंटेल को आ गया गुस्सा, इंटेल चला गया भाई कोर्ट में कि भाई ठीक है तूने 8080 की कॉपी मारी, 8080 की कॉपी मारी, मतलब जो उससे पहले वाला था 8080 8086, फिर तूने 80286 की कॉपी मारी, ठीक है भाई अपना एग्रीमेंट 80286 तक था, तू भाई कहाँ 80386 की भी कॉपी मार रहा है, उसको मार्केट में ला रहा है। तो भाई फिर क्या हुआ, कोर्ट वोर्ट में चला गया मामला, केस वेस हुआ फिर भाई। लेकिन फाइनली जो केस जीता
वो जीता भाई, एएमडी की भाई अपना एग्रीमेंट तो है, अपन तो कॉपी मारेगा तेरे सीपीयू का, ठीक है, अपन तो चीटिंग करेगा तेरे को सीपीयू का और अपना जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा। तो भाई एएमडी केस जीत गया, उन्होंने कॉपी मारी और उन्होंने अपना AM386 नाम से प्रोसेसर जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। कमाल बात पता है और क्या थी, इंटेल का जो 80386 था ना, उससे भी बेटर फ्रीक्वेंसी AM386 हमें ऑफर कर रहा था, मतलब कि उससे बेटर फ्रीक्वेंसी इंटेल से भी ज़्यादा। कॉपी तो मार ही रहे थे, चीटिंग तो कर ही रहे थे, साथ ही उसमें जो है इन्होंने बेटर फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों को प्रोवाइड कर दी। जो इंटेल था वो 33 MHz तक जा रहा था और जो AMD था वो 40 MHz तक जा रहा था। अब तुम सोच रहे हो कि भाई कहाँ 30-40 MHz की बात हो रही है, आजकल तो गीगाहर्ट्ज़ में जा रहे हैं प्रोसेसर। तो हाँ भाई, उस ज़माने में इतने ही स्लो प्रोसेसर हुआ करते थे। देन 1994 के अंदर AMD ने ऑफिशियली आखिरी बार इंटेल का कॉपी मारा। इंटेल ने अपना 80486 लॉन्च करा और AMD ने अपना AM486 लॉन्च करा। कमाल बात फिर से यही थी कि भाई AMD हमें ज़्यादा अच्छी क्लॉक स्पीड दे रहा था, इंटेल से भी ज़्यादा। तो हो सकता है, मे बी, मेरे को ये नहीं पता कि कौन से ज़्यादा बिके, हो सकता है कि क्या पता AMD के ज़्यादा बिके हों। देन फिर क्या होता है कि AMD और इंटेल का जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाता है ऑफिशियली। फिर AMD कहता है कि भाई अब तो एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, अब तो खुद कुछ करना पड़ेगा। तो AMD ने क्या करा कि AMD ने सोचा भाई कुछ तो नया लाना पड़ेगा भाई, तभी CPUs बिकेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपने प्रोसेसर के अंदर L1 कैश मेमोरी देनी स्टार्ट कर दी। अब भाई L1 कैश मेमोरी देनी इन्होंने स्टार्ट करी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा बहुत जो इनकी प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस थी वो इंक्रीज हुई, थोड़ा बहुत और बेटर परफॉर्म ये करने लगे। और तब तक वैसे इंटेल का जो पेंटियम था वो भी मार्केट के अंदर आ चुका था, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो AMD के प्रोसेसर्स थे वो इतना अच्छा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए इंटेल के सामने। और वो जो CPU उन्होंने लॉन्च करा था ना पेंटियम के खिलाफ, वो था K5, ठीक है, वो इतना कुछ अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर पाया मार्केट के अंदर। देन इन्होंने क्या करा कि उसी सेम आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा सा एक बेटर प्रोसेसर लॉन्च करा जिसकी थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसीज बेटर थी। और इस स्टेज पे जो इन्होंने फिर एक K6 लॉन्च करा, तो वो जो K6 था ना वो इंटेल के पेंटियम की बिल्कुल लगभग बराबर जैसी परफॉर्मेंस देता था। तो मतलब इंटेल का जो पेंटियम 2 था और जो AMD का K6 प्रोसेसर था, ये दोनों आपस में लगभग एक जैसी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर रहे थे उस टाइम पर। फिर इन्होंने क्या करा कि अपने K6 प्रोसेसर के थोड़ी बहुत और वर्जन्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। K6 2 लाई है मार्केट के अंदर, देन K6 3 लाए। K6 3 के अंदर तो इन्होंने L2 कैश को इंट्रोड्यूस कर दिया। L2 कैश अब तक हमारी मार्केट के अंदर आ चुकी थी, तो इनके जो CPUs थे वो थोड़े बहुत और बेटर परफॉर्म करने लगे बिकॉज अब हमें L1 के अलावा L2 कैश भी देखने को मिल रही थी। अच्छा, ये जो इनकी K6 वाली सीरीज है ना, ये पूरी की पूरी 180 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। मतलब देख लो यार, आजकल के तो CPUs जो है AMD के Zen 2 आर्किटेक्चर वाले और जो अपकमिंग Zen 3 है वो भाई 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। कहाँ भाई पहले बना करते थे 180 नैनोमीटर के CPU, देख लो भाई अब कितना एडवांसमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी के अंदर। देन 1999 के अंदर आप से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हम सभी उसी टाइम का बर्थ हुआ हम सभी का। तो 1999 के अंदर AMD ने अपना एथलॉन सीरीज को लॉन्च कर दिया। एथलॉन सीरीज की खास बात क्या थी, एथलॉन जो सीरीज थी इनकी वो 1 GHz की फ्रिक्वेंसी को टच कर रहे थे। तो मतलब AMD को देखो कहाँ से स्टार्ट करा था, मतलब CPU जो माइक्रो प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी भाई 25-30 MHz से। और अब देखो कहाँ 1 GHz तक ये आ चुके थे 1999 के अंदर, तो काफ़ी एडवांसमेंट ये अब तक कर चुके थे। फिर उन्होंने क्या करा कि एथलॉन के भी ये थोड़े बहुत और वर्जन बनाने लगे। देन 2003 के अंदर यानी 2003 के अंदर AMD ने वर्ल्ड्स फर्स्ट कंज्यूमर लेवल के ऊपर 64-bit के प्रोसेसर को लॉन्च करा। और इस CPU का जो इन्होंने नाम रखा वो रखा था इन्होंने एथलॉन 64, मतलब 64-bit के ऊपर बेस्ड था तो इन्होंने एथलॉन 64 ही इसका CPU का नाम रख दिया। देन फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने थोड़ी बहुत और रिफाइनमेंट्स ये बनाने लगा इस CPUs के, ठीक है, नए नए वर्जन इन्होंने इसके बनाए। 2004 के अंदर जो इन्होंने एथलॉन 64 का वर्जन निकाला वो निकाला इन्होंने 90 नैनोमीटर के ऊपर, यानी कि 180, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था ना कि 180 नैनोमीटर के ऊपर बन रहे थे, देन ये आ चुके थे 90 नैनोमीटर के ऊपर, 90 नैनोमीटर के ऊपर ये आ चुके थे। फिर बारी आती है 2006 की, 2006 के अंदर भी इन्होंने एथलॉन का एक और वर्जन निकाला जो कि 65 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड था। अब ये क्योंकि 65 नैनोमीटर तक आ चुके थे, ठीक है, अपनी प्रोसेस टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बेटर करते जा रहे थे, तो इनके CPUs ने थोड़ी बहुत कम पावर कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी, बेटर परफॉर्मेंस हमें देने लगे थे। तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा जो है AMD वो मार्केट के अंदर कर रहा था उस टाइम पे। एथलॉन के साथ साथ इन लोगों ने अपनी सेम्फ्रॉन सीरीज को भी थोड़ा बहुत ही अपडेट करते रहे, थोड़े बहुत उसके नए नए वर्जन मार्केट के अंदर लाते रहे। फिर बारी आती है हमारी 2005 की, 2005 के अंदर इन्होंने क्या करा
डुअल कोर सीपीयूज को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब तक जितने भी सीपीयूज बन रहे थे ना वो सिंगल कोर सीपीयू थे, फिर इन्होंने क्या करा कि डुअल कोर सीपीयूज को मार्केट के अंदर ले आए 2005 के अंदर, और इस सीपीयू को इन्होंने नाम रखा एथलॉन X2। X2 से मेरे हिसाब से X2 मतलब डबल हो गया ना, तो डुअल कोर यानी कि। देन 2008 के अंदर AMD ने अपनी फिनम सीरीज को लॉन्च करा। फिनम सीरीज जो है वो इनकी क्वाड कोर चिप्स थी, मतलब इन्होंने क्वाड कोर सीपीयूज को फिर बनाना स्टार्ट कर दिया, इन कंपैरिजन टू जो इनके 2005 में डुअल कोर सीपीयूज बन रहे थे उसके कंपैरिजन में जो इनके क्वाड कोर सीपीयूज थे ये काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें देना स्टार्ट कर चुके थे। जो हमारी एप्लीकेशंस थी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी फिनम प्रोसेसर्स के ऊपर, और इन सीपीयूज के अंदर इन्होंने IPC को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करा था। तो इनके जो ये वाले सीपीयूज थे ना फिनम सीरीज के ये काफी अच्छे खासे चले थे मार्केट के अंदर। देन 2011 के अंदर AMD ने अपना पहला APU लॉन्च करा, यानी कि एक ऐसा सीपीयू जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हो, तो वो इनका 2011 में आया था सबसे पहले, जिसका कि नाम था AMD Fusion। अब ये वाला जो APU था ये मतलब इसका जो IGPU था वो इतना ज्यादा कोई पावरफुल नहीं था कि उसके ऊपर जो है गेमर्स वगैरह गेमिंग कर सके, बहुत अच्छे खासे गेम्स उसके ऊपर चल सके, एकदम लोएस्ट सेटिंग्स के ऊपर उस टाइम पर गेम चल जाया करते थे, मतलब ठीक ठाक सी मतलब बेसिक सी परफॉर्मेंस हमें मिल जाया करती थी। देन AMD साथ साथ अपने आर्किटेक्चर को भी इंप्रूव करता जा रहा था, फिर इन्होंने लॉन्च करा अपना AMD का बॉब कैट आर्किटेक्चर, हाँ मतलब बहुत अजीब सा नाम है। फिर इसके बाद आता है इनका AMD का बुलडोजर आर्किटेक्चर, मतलब क्या ही नाम रख रहे थे पता नहीं, बॉब कैट आर्किटेक्चर बुलडोजर आर्किटेक्चर। तो इसी के साथ में इनके सीपीयूज लॉन्च होते रहे, साथ ही इन्होंने हायर कोर काउंट के साथ में सीपीयूज को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, और तब तक इनकी FX सीरीज भी आ चुकी थी, तो 6-6 कोर 8-8 कोर के ये सीपीयू बनाने लगे थे। देन 2014 के अंदर यानी कि 2014 के अंदर AMD ने अपने स्टीम रोलर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड अपने ए सीरीज के APUs को लॉन्च करा, जो कि 28 नैनोमीटर के ऊपर बनाए गए थे। अभी कुछ टाइम पहले ही सुना था ना, मतलब 90 नैनोमीटर, 65 नैनोमीटर, 180 नैनोमीटर, अब ये 28 नैनोमीटर तक आ चुके थे। और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के घर में यार AMD के ए सीरीज के कुछ सीपीयूज होंगे, मतलब आपके सिस्टम के अंदर हो सकता है ए सीरीज का APU लगा होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि एक AMD का बुलडोजर आर्किटेक्चर आया था, वो आया था भाई 2011 के अंदर। 2011 से लेकर के 2015 तक इनका बुलडोजर आर्किटेक्चर चला, यानी कि 2011 से लेकर 2015 तक। इस पीरियड में AMD को ने काफ़ी अच्छे खासे लॉसेस को फेस करा, इनको काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इंटेल काफ़ी अच्छा कर रहा था मार्केट के अंदर इन कंपैरिजन टू AMD। इंटेल के CPUs को जो है लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे AMD के मुकाबले, तो AMD के CPUs को जितने खास बिके नहीं मार्केट के अंदर, इंटेल जो है काफ़ी अच्छा कर रहा था मार्केट के अंदर, उनके CPUs ज़्यादा बिके, तो भाई AMD ने काफ़ी अच्छे खासे लॉसेस को झेलना पड़ा। इंटेल जो है थोड़ा अच्छा ही कर गया उस टाइम पर, तो AMD के वो जो दिन थे ना वो इतने कुछ अच्छे नहीं थे। 2011 से लेकर 2015 तक अच्छे खासे लॉसेस को फेस करने के बाद फिर AMD ने सोचा कि भाई मार्केट के अंदर कुछ अलग करना पड़ेगा, मतलब इंटेल से कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी हमारे CPUs मार्केट के अंदर बिकेंगे, नहीं तो हमारी कंपनी ही खत्म हो जाएगी। तो भाई AMD ने क्या करा, AMD ने फिर 2 साल बैठ के मेहनत करी। 2015 से लेकर 2017 तक इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा, और इनके फिर क्या आते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि आपके सामने हैं AMD के Ryzen वाले प्रोसेसर्स। और जैसे कि आपको पता है कि AMD के जितने भी ये Ryzen प्रोसेसर्स आए थे इन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, मतलब CPU मार्केट को एकदम बदल के रख दिया था AMD ने। जैसे कि आपको पता है कि इनके जो CPUs थे वो हायर कोर काउंट ऑफर कर रहे थे, साथ ही इनको SMT मिल रही थी Ryzen 5 1600 के अंदर 6 कोर 12 थ्रेड, Ryzen 7 1700 के अंदर हमें 8 कोर 16 थ्रेड, काफी अच्छे खासे हमें हायर कोर काउंट वाले CPUs हमें इनकी तरफ से देखने को मिल रहे थे। वहीं पर इंटेल हमें क्या दे रहा था भाई, i7 के अंदर 4 कोर 8 थ्रेड ले लो भाई, 4 कोर 8 थ्रेड ले लो हमारे, लेकिन AMD क्या कर रहा था अपने Ryzen 7 1700 के अंदर हमें 8 कोर 16 थ्रेड्स दे रहा था, जो कि बहुत कमाल की बात थी। ठीक है, तो इसी वजह से इनके CPUs काफ़ी अच्छे खासे बिक रहे थे मार्केट के अंदर, और मतलब जिसको भी प्रोडक्टिविटी वाला काम करना था ना, जिसको भी CPU इंटेंसिव काम ज़्यादा करना था वो AMD के साथ ज़रूर जा रहा था, भले ही हमें गेमिंग के अंदर इतने खासे अच्छे खासे FPS नहीं मिल रहे थे, क्योंकि IPC इतनी अच्छी नहीं थी इंटेल जैसी, लेकिन हम लोगों को प्रोडक्टिविटी वाले जैसे काम के अंदर AMD काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा था। और साथ साथ AMD ने ये भी बोला था कि भाई हम आपको 2020 तक AM4 सॉकेट का सपोर्ट देंगे, जो कि उन्होंने दिया भी है। 2020 तो खैर चल ही रहा है, तो आप लोगों को पता ही है कि भाई उन्होंने जो बोला वो उन्होंने करा भी। 2020 तक इन्होंने AM4 सॉकेट का हमें सपोर्ट दिया, और अपकमिंग जो इनकी 4th Gen भी आएगी Ryzen की,
वो भी भाई M4 सॉकेट के ऊपर ही बेस्ड होगी। तो देख सकते हो कि भाई AMD ने जो बोला है भाई वो करके भी दिखाया है। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया कि भाई AMD की पूरी जर्नी इन्होंने कहां से स्टार्ट करा था, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ये बनाया करते थे, इंटेल की कॉपी ओपी मारते रहते थे पहले उस जमाने में, फिर धीरे धीरे उन्होंने इवॉल्व करा, अब ये राइजन प्लेटफॉर्म लेके आया जिसने मार्केट को पूरा बदल के रख दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार अभी के अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को, और आज के लिए इस वीडियो में खैर सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।